Class today we are going to start our new chapter trigonometric ratio yani trigonometry anupat wala jo hamara chapter hai chhota chapter wo aaj hum shuru karne ja rahe hain trigonometry anupat trigonometry We have three sides, hypotenuse, perpendicular and base. Angle is theta. Theta always constructed between base and hypotenuse. जो हमारा कोण बनेगा, वो कोण हमारा क्या होगा? कर्ण और आधार के बीच में बनेगा. इन केस अगर हमारा कोण theta ऊपर की साइड बनता है, तो hypotenuse तो सेम रहना है, because hypotenuse is always opposite side of right angle. कर्ण कौन सी भुजा होती है हमारी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है. तो कर्ण और वह रेखा जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो उन दोनों रेखाओं के बीच में, उन दोनों साइड्स के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा. अगर थीटा हमने ऊपर लिया तो इस तरफ हमारे क्या आ जाएगा? यानी आधार, ये बेस हो जाएगा. तो वो हमारे थीटा के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हमने थीटा कहां पर लिया है. ओके, नाउ वी हैव थ्री साइड्स. इसको लर्न करने का तरीका होता है जैसे लॉग बटे लंब साइन थीटा, लॉग बटे लंब बटे कर्ण. लंब हमारा क्या है?
perpendicular. For English medium students, you can learn it write as P B P upon H H B. लाल रोटे का क्या है? है लंब के लिए, ए आधार के लिए, और के कर्ण के लिए. P for perpendicular, B for base, and H for hypotenuse. Sin theta is equal to लंब बटे कर्ण. Means perpendicular upon hypotenuse. Cos theta. Cos theta is adhar bate karan. Means base upon hypotenuse. ये हमारा साइन का मान, ये हमारा कोस का मान, ये वैल्यू किसके है? टेन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये वैल्यू हमें इसलिए लर्न करते हैं, इन केस हमें क्या दिया हो, ट्रायंगल जो भी है हमारा राइट एंगल उसकी साइड्स की वैल्यू दी हुई हो, यानी भुजाओं का मान दिया हुआ मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इसे sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे. cos थीटा, अब देखो फर्स्ट थ्री जो वैल्यू है हमारी, इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ये हमारी लाल बटा का कमी, पहले sin फिर cos फिर tan का मान, अब अपोजिट चलेगा रेसिप्रोकल में, आधार बटे लंब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, cot sec एंड cosec. देन इसमें किसका क्या हो जाएगा, आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार किसका मान होगा, tan थीटा का, यानी tan थीटा को 1 अपॉन tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा cot थीटा के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक्टर इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आधार बटे कर्ण हमारा मान लीजिए आधार बटे कर्ण cos थीटा का, और कर्ण बटे आधार sec थीटा, यानी ये इक्वेशन की क्या है अपोजिशन, ये वैल्यू cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा, और sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा. तो यहां से ये हमारा जो लास्ट में हमारा क्या बचा, cos थीटा कर्ण बटे लंब यानी कर्ण बटे लंब यानी ये होता sin थीटा कर्ण बटे लंब. मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये हमारे जो सिक्स रेशियो है, फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक थीटा, एंड सिक्स कोस थीटा, ये इन सब के क्या है जो रेशियो है, जो साइन का रेशियो है वो दिया गया है लंब बटे का आधार बटे का, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base, base upon perpendicular, hypotenuse upon base, and hypotenuse upon perpendicular. These are our six ratios of sin theta, cos theta, tan theta, cot, sec, and cosec. Now, value of these trigonometric ratios, ये हमें इसमें क्या करनी है? Find करनी है और learn करनी है. Accordingly, सबसे पहले हमें ये और जो sequence है, ये learn होना चाहिए. sin cos tan cot sec and cosec. अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू किसकी होती है, मींस लंब बटे आधार अगर हमें दिया हुआ है तो हमें माइंड में ये होना चाहिए कि किसकी वैल्यू है, tan theta की वैल्यू है. hypotenuse upon base is equal to sec theta, ये हमें क्या करना है, इजीली
लैंड करना है। लैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाल रूट का कर्का या सीबीपी अपॉन एचएसपी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को रिप्रेजेंट करने का। नाउ इनकी जो वैल्यू हमारे सिलेबस में दी हुई है वो हमारे दी वैल्यू दी हुई 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेबल बनती है साइन एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टेबल कहलाती है, वो हम यहां पर लर्न करेंगे कि वो टेबल किस हिसाब से बनती है और उनको यूज हम कैसे लेते हैं वो भी आप आगे यहां देखते हैं। इसके लिए अगर आप ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारी ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लर्न करने में क्या हो आसानी हो। टेबल बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है, एक बार वो वैल्यू हम देख लेते हैं। जैसे हमारे साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, साइन थीटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो इन बिटवीन जो रिलेशन है वो देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का मान किसके है 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर, यानी एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम। नाउ साइन थीटा के बाद में हमारी वैल्यू आती है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट टैन थीटा, वैल्यू ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो हमारी वैल्यू क्या है टैन थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट इज कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन अपॉन कोस मींस टेन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन टेन थीटा। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमें एग्जाम में या क्वेश्चन में मिल सकती है और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा होगा कॉस थीटा होगा टैन एंड कॉट। अब बची कौन सी हमारी सेक थीटा, सेक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे सिक्स रेशियोज रहेंगे और इनके आपस में क्या है ये रिलेशंस है। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं, क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब इन दोनों को आप सब एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल के बाद जो परफॉर्मर रहेगा वो सपोर्टिंग रहेगा, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कौन कौन से, साइन थीटा कोस थीटा टैन और सेक कोसेक थीटा। थीटा की वैल्यू ये है वी विल मूव अकॉर्डिंग दिस हियर This is our value of theta. We have to learn 5 value of theta, 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree. Now, how to find this value or how to learn this value? हमें इजी वे में इतना सिंपल मेथड अपनाना है कि हम हमारे खुद के कॉन्सेप्ट बना कर क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। लाइक हमें वैल्यूज क्या करनी है, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, हमें एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं और हमें कहा गया कि यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 4 लाइंस, आपको 4 लाइन में इसका क्या देना है, इसका आंसर देना है। मींस क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, ये हमारा कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस आप फिल करोगे उतने नंबर ऑफ मार्क्स आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन में एग्जाम आ गया, सपोज करते हैं
ये चार लाइन का प्रश्न है हमारा, चार एक लाइन का एक नंबर, दो लाइन के दो नंबर, तीन लाइन के तीन और चार नंबर के चार लाइन। इफ एनी स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट वो क्या करता है, एक भी लाइन नहीं लिखता है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, जीरो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जीरो मार्क्स। इफ ही राइट वन लाइन क्वेश्चन आंसर, वन लाइन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन एक लाइन का आंसर देता है तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन कितने नंबर का है, चार नंबर का, नंबर कितने मिलेंगे, एक, कितने में से मिलेंगे, चार में से मिलेंगे। नाउ एक की बजाय अगर वो दो लाइन में देता है तो उसे नंबर कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, कितने में से, चार में से। और ये भी दो और चार आपस में एक दूसरे से कट होते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ना, यानी दो मिले चार में से आधे मार्क्स मिले तो कितने मार्क्स उसे मिले, उसके 1/2 मार्क्स मिले। अगर वो 1 2 3 तीन लाइन में आंसर दे के आ रहा है, उसने तीन लाइनों में आंसर लिखा तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। पर टोटल मार्क्स कितने हमारे 4, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3/4 तीन मार्क्स मिलेंगे चार में से, चारों के चार बड़ा लिखते हैं यानी 4/4, चार में से उसको चार मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स आउट ऑफ 4। पर 4/4 कितना आता है, 1। हमें ये वैल्यू जो लाइंस है हमारी 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 ये याद रखनी, किसका कांसेप्ट बनाना है, ठीक है। हमने मार्क्स का कांसेप्ट बनाया कि चार नंबर का क्वेश्चन है, चार लाइन का है, एक लाइन का एक नंबर मिलेगा, अगर वो कुछ भी नहीं लिखता तो जीरो मिलेगा, एक लाइन लिखेगा तो 1/4, दो लाइन लिखेगा तो 1/2, तीन लाइन लिखेगा तो 3/4 और चार लाइन लिखेगा तो 4/4 यानी एक नंबर। अब ये जो इसको मार्क्स मिले, ये जो हमने कॉन्सेप्ट ऊपर लिखा, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो हमारे ऊपर वैल्यू आएगी, इन सब का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो फर्स्ट वैल्यू जो इनके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे किसके लिए जो है साइन रूट के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो मींस वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 का वर्गमूल करेंगे तो मान कितना आएगा, 0 आएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। 1/4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, 1/4 का हमने क्या किया, वर्गमूल किया, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 1/4 का वर्गमूल क्या हो गया, 1/2, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, हम बाई तरफ से दाई तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 कितना होगा, 1/2 का वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल √2 मींस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 मान होगा साइन 45 डिग्री का। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, ऊपर वैल्यू की कौन सी हमारी 3/4, हम स्क्वायर रूट किसका कर रहे हैं, 3/4 का, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 3 एंड 4 का हो जाएगा 2 मींस साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट 4/4 मींस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 मींस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। अब जो हमारी साइन की वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू क्या कैसी थी, राइट टू लेफ्ट टू राइट। अब ये जो इसका अपोजिट सीक्वेंस, उल्टा सीक्वेंस दे देंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारी cos थीटा की। साइन के राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यू है, 1, तो यहां cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहां हमारी वैल्यू क्या, √3/2, देन sin की डिग्री इज इक्वल टू √3/2, फिर इस तरह वैल्यू क्या, 1/√2, after 1/√2 is 1/2, then यहाँ क्या लिखेंगे,
बटा दो, और यहाँ मान आ जाएगा हमारा जीरो। मतलब इस साइन में जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो कॉस में क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ये हमारा रन करने का तरीका है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बनाया हमने इसके लिए, साइन और कॉस ये दोनों वैल्यू हमारे क्या है आ चुके हैं। नाउ tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sin अपॉन cos की वैल्यू sin बटे cos, यानी tan 0 की वैल्यू क्या है sin 0 अपॉन cos 0, 0 बटे 1, 0 बटे 1 का मान कितना होता है 0 ही होता है। tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30, 1 बटा 2 बटा 3 बटा 2, दो से तो दो कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी 1 बटा अंडर रूट 3। वैल्यू किसकी आई हमारी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। tan 45 डिग्री 1 अपॉन 2 में 1 अपॉन रूट 2 को डिवाइड करेंगे, यानी sin 45 में cos 45 का भाग देंगे, दोनों मान बराबर है तो यहां आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट साइन सर 3 रूट 3 अपॉन 2, कॉस सर 1 बाय 2, रूट 3 बाय 2 डिवाइड होगा 1 बटा 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां आंसर क्या आ जाएगा रूट 3। मींस tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारी रूट 3। नाउ tan 90 डिग्री 1 अपॉन 0, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 0 इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इट्स कॉल्ड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी n निर्धारित रूप आ जाता है। फॉर n निर्धारित रूप को हम किससे डिनोट करते हैं इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ये हमारा n निर्धारित रूप है। जिस तरीके से हमने tan की वैल्यू cos की वैल्यू sin का सीक्वेंस चेंज करके लिखी थी, ठीक उसी तरीके से cot की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं tan के सीक्वेंस चेंज करके लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा cos अपॉन sin करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू cos theta upon sin theta, then cos की वैल्यू क्या है 1, sin की वैल्यू 0, it will be undefined। next root 3 by 2 is 1 by 2 divided, then it will be root 3, 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2 is equal to 1, 1 by 2 is divided by 1 upon root 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, देन 1 अपॉन रूट 3। cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 अपॉन sin 90, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। हमारे cot की जो सीक्वेंस है 0 0 30 45 60 और 90 का, एंड डिफाइन रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3 एंड 0, किसका सीक्वेंस ऑर्डर है ये इसी का है डिसेंडिंग ऑर्डर में tan का, देख लीजिए है ना, यानी tan का भी अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं आगे पीछे करते हैं तो क्या आ जाता है tan secant कर क्या आता है cot आता है, sin secant कर क्या आता है हमारा cos कर के। इसी तरीके से अगर sec की वैल्यू निकाल दें सीक्वेंस चेंज करते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी cosec theta की वैल्यू आ जाएगी, sec theta की वैल्यू निकालते हैं sec theta की वैल्यू क्या आती है हमारे बराबर अपॉन cos theta। हमने अभी देखा था कि sec theta is equal to 1 upon cos theta, then इसकी वैल्यू क्या रहेगी cos theta, इसका रेसिप्रोकल करना है, then एक का रेसिप्रोकल 1 बटा 1 कितना होता है 3 होता है, 1 बटा √3 बटा 2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी 2 upon √3। जो भी वैल्यू cot की दी हुई है उसका हमें क्या करना है उसका उल्टा कर देना, 1 upon root 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, 1 by 2 रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि यहां cos theta की वैल्यू का क्या हो रहा है रेसिप्रोकल हो रहा है बीच का हो रहा है, तो यहां आंसर आ जाएगा 0, 1 upon 0, 1 upon 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो यहां पे cos की वैल्यू क्या है 0 है, 1 upon 0 क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा 1 upon 0, तो ये हमारे किसके वैल्यू गई ये हमारे sec theta के वैल्यू।
हम नाउ कोसेक थीटा, या तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, लास्ट टू फर्स्ट कर देते हैं, या फिर इसकी साइन थीटा का जो वैल्यू है हमारी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन की जो भी वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। 0 है 1 बटा 0 करेंगे क्या माना जाएगा हमारा अनडिफाइंड, 1 बटा 2 रेसिप्रोकल करेंगे 2, 1 अपॉन रूट 2 विल बी अंडर रूट 2, ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन 1 विल बी 1, sec थीटा का सीक्वेंस चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो सारे के सारे रेशियोज हैं वो हमारे इस तरीके से हमारे सामने रहेंगे। ये टेबल हमें लर्न करनी है, अच्छे से याद करनी है, और इसी टेबल के आधार पर हमारे आगे के क्वेश्चंस क्या होंगे सॉल्व होंगे। सारे के सारे जो 6 चैप्टर के एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो हमारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसी टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये टेबल लर्न करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, इनके केस अगर हमें लर्न ना हो बट ये मेथड हमें याद हो गया तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में हमारे जो आंसर शीट आएगी उसके पीछे इसको लिख करके आसानी से एक बार जैसे हमें आंसर शीट मिलती है हम उसके पीछे लर्न लिख सकते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो दिक्कत ना हो और आसानी से हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टेबल लर्न करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी के लिए इतना ही, क्वेश्चन में जो भी डाउट होगी क्वेरी होगी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।